कोरोना महामारी का काल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हिमाचल की ठंडी वादियों में इस वायरस के मुद्दे पर सियासत भी वैसे ही गर्मा रही है। कांग्रेस जहां सरकार और सरकार के नुमाइंदों पर हमला कर रही है और कह रही है कि इन्होंने ही प्रदेश में कोरोना कैरियर का काम किया है और प्रदेश की जनता को संकट में डाला है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश भर में अगर कोरोना फैला है तो उसके लिए भाजपा सरकार और इसके नुमाइंदे भी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के इस बयान पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस का निकम्मापन सार्वजनिक हुआ है। इस काल में अगर किसी ने निकम्मापन दिखाया है तो वे है कांग्रेस पार्टी। विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। इस कोरोना काल में उन्होंने सिर्फ प्रेस मीडिया के आगे बैठकर पत्रकार वार्ताएं की हैं, जबकि उन्हें भी समाज सेवा में सरकार का सहयोग करना चाहिए था। बावजूद इसके उनकी एक पैसे तक की कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज वो सरकार को कोस रहे हैं, जबकि इस सरकार ने इस संकट काल में तमाम चुनौतियों का सामना किया है और समाज को इससे उभरने के लिए हर संभव काम भी किए हैं। विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बयानबाजी करने की बजाय बाहर निकलना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। कोरोना महामारी में अगर सबसे निकम्मा काम किसी लोगों ने किया है तो ये कांग्रेस में जो बैठे जो लोग जो आज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के अंदर कोरोना को रोकने के लिए एक पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल और केवल घर में बैठकर पत्रकार वार्ता करके और टेलीविजन या इस मीडिया के आगे बैठ के केवल और केवल बातें करने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार ने काम किया है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम सब लोग, सारे का सारा समाज, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बयान है वो शोभा नहीं देते। उनको कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए।